हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टेलोडैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर एक्चुअली में कौन नज़रें रखे हुए हैं। ठीक है, आपके ऊपर किसकी नज़रें हैं और क्यों आपके ऊपर ये पर्सन, जो भी हमें पता चलेगा टैरो से, ये क्यों आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। यानी कि किस इरादे से ये आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं वो देखा जाएगा। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो उस दौरान पर आप अपना पूरा का पूरा फोकस बनाए रखिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। रीडिंग जो है वो आपकी कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है, इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपके ऊपर कौन नज़रें बनाए हुए हैं वो चीज़ें जानते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके ऊपर आखिर किसकी नज़रें हुए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के ऊपर आखिर किसकी नज़रें हैं इस वक्त में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसकी नज़रें हैं। गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के ऊपर आखिर किसकी नज़रें हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के ऊपर आखिर अब किसकी नज़रें हैं। एक कार्ड और दीजिए, बताइए व्यूअर्स के ऊपर आखिर अब किसकी नज़रें हैं। गाइड कीजिए, बताइए। एम्परर एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। वैसे देखो एनर्जीज मुझे ओवरऑल सभी दिखाई दी हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये अर्थ साइन हो गया, ये वाटर साइन हो गया, ये एयर साइन हो गया एंड ये आपका फायर साइन हो गया। तो एनर्जीज ओवरऑल यहाँ पर सभी मुझे दिखाई दे गई हैं। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर किसकी नज़रें हैं, कौन आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। देखो मुझे यहाँ पर ना आपके ऊपर एक नहीं, काफ़ी लोग नज़रें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, यानी कि सिचुएशंस मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पर एक ही पर्सन के ऊपर सारे लोग नज़रें बनाए हुए हों, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लोगों के केस में कोई है और कुछ लोगों के केस में कोई है। तो आप जितना कनेक्ट कर पा रहे हैं उतना ही यहाँ पर लीजिएगा। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन नज़रें रखे हुए है जो आपसे उम्र में छोटा है या छोटी है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के बीच में हद से ज़्यादा एज गैप है। और ये जो भी पर्सन है ना, ये बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो वहाँ पर हो, आप अगर कहीं टीचर हो, टीचर का वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर है, या हो सकता है आप कहीं पे बिजनेस में हो और वहाँ पर ये आपके आसपास हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, तो ये आप पे नज़रें रखे हुए हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, चाहे ये वर्क एरिया पे हो या फिर आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपके जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो वहाँ पर ये है। तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें रखे हुए है, लेकिन इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इतनी कि ये आपके सामने खुद से आ पाए। ठीक है, खुद से आपके सामने ये नहीं आ पा रहा, बस आप पे नज़रें बनाए हुए है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिख रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी के क्रश बने हुए हैं और आपके क्रश की नज़रें आपके ऊपर हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपको अपना क्रश मानते हैं। आप उन्हें मानते हो या नहीं वो चीज़ें अलग हैं यहाँ पे, बल्कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपकी नज़रों में वो आपके क्रश नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़रों में आप उनके क्रश हो और वो उस अट्रैक्शन की वजह से आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, आपको देखते रहते हैं, इच्छा उमड़ती है कि वो आपसे बात करें, आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आएँ। और बट वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं जुट पाती है, ये उतनी स्ट्रेंथ ये नहीं जुटा पाते। एज एन यहाँ पर ये दिख रहा है कि
ये तो आपको लेकर हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप उन्हें देख ही नहीं रहे हो कि किसकी निगाहें आपके ऊपर है या कौन आपको बस देख रहा है, देखता ही रहता है या रहती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप किसी के क्रश बने हुए हो, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर आपके ऊपर ना आपके पर्सन की भी नज़रें हैं, उस पर्सन की, उन लोगों के केस में, स्पेशली जिन लोगों के केस में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ईगो क्लैश हुए हैं और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि शायद आपको ही वहाँ से जाना पड़ा हो या शायद आपको ही उस पर्सन से अपनी लाइफ को दूर करना पड़ा हो, तो कोई ऐसा मैन्युपुलेटिव पर्सन, एक कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपका पास्ट का है जिसने आपको काफ़ी गलत बोला है, आपके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस पर्सन की भी आपके ऊपर निगाहें हैं कि आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हो, कितने खुश हो, कहाँ हो, कैसे हो, तो उन सभी की जैसे जानकारी चाहने की वजह से ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो मेरे पर्सन हैं, अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, एज एन आपके पार्टनर की साइड से ही कोई पर्सन है, कोई कपल है स्पेशली, चाहे वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो या फिर आपके पार्टनर के ब्रदर और उनकी वाइफ हो या ब्रदर और सिस्टर हो या सिस्टर और उनके हस्बैंड हो, उनकी भी निगाहें आपके ऊपर है, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिस भी पर्सन के साथ बीते पलों में डील कर रहे थे और उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उस पर्सन की साइड के जो लोग हैं वो आप पे निगाहें रखे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की इच्छा इनके दिल में है, और आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हो जैसे आप उनसे पीठ फेर के बैठे हो, ठीक है। आपको पता नहीं है कि वो आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके ऊपर निगाहें इन लोगों की है। पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पे पेरेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स, अगर आप मैरिड हो या वो वजह है आप लोगों के केस में इस सेपरेशन की, इस फाइटिंग की, तो उनकी निगाहें भी आपके ऊपर है, आपकी हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आखिर ये आपके ऊपर क्यों निगाहें बनाए हुए हैं। तो मैं वन बाय वन सब लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, जो भी लोग जिस भी सिचुएशन में आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके कलीग्स से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ में, इस केस में देखते हैं आखिर ये बंदा या बंदी आपके ऊपर क्यों निगाहें बनाए हुए हैं। आपका कलीग्स आपके वर्क एरिया पर, आपके बिजनेस में हो सकता है, आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है, तो इस पर्सन की आखिर निगाहें आपके ऊपर क्यों हैं, क्यों ये आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये पर्सन क्यों मेरे व्यूअर्स के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, क्यों इनकी नज़रें मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 ओके, एम्प्रेस आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, द सन है एंड द सेवन ऑफ कप्स है। तो देखो, ये जो भी आपके कलीग्स हैं, उम्र में पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, छोटे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एज एन एक ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो भी कर रहे हो, जिस भी वे में करते हो, जिस तरीके से करते हो, वो इन्हें बहुत पसंद आता है और इन्हें ना अच्छा लगता है आपको देखना, इन्हें खुशी महसूस होती है आपको देखते रहने की, आपके कॉन्फिडेंस को देखने की, और इवन कहीं ना कहीं ये देख कर ना आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अपने दिमाग का यूज़ करके यहाँ पर वर्क कर रहे हो, एकदम कंफ्यूज्ड नहीं होते हो, जबकि ये अगर इस सिचुएशन में होते, इस हालात में होते, तो ये डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हो जाते। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो भी पर्सन है ना, जो आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, बेसिकली इनका इंटेंशन गलत नहीं है, बस हाँ वो आपके लिए अट्रैक्शंस रखते हैं, आप जो भी, जिस भी तरीके से करते हो वो उन्हें अच्छा लगता है, आप जब खुश होते हो तो वो भी इवन इन्हें पसंद आता है, तो इस रीज़न की
वजह से ही आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। हो सकता है ये आपके ट्यूशन में ही हो, अगर आप किसी तरह की कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो हो सकता है ये आपके कोचिंग में भी हो, लेकिन उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं। ओवरऑल इन्हें ना आप बहुत सॉलिड पर्सनालिटी, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लगते हो, और इसी रीज़न की वजह से ये आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। और ये कंपेयर करते हैं कि ये यहाँ होते, ये सिचुएशन में होते, इस हालात में होते तो ऐसे करते वैसे करते, तो ये चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ नज़रें बनाए रखने के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन ओवरऑल इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपसे बात कर पाएँ, आपसे ओपनली चीज़ों को बोल पाएँ, तो ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये जो भी पर्सन है जिन्होंने बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें अपना क्रश मान रखा है, उनके क्रश हैं, तो ये किस इंटेंशन से आपको देख रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। 1, 2, 3 and 4। ठीक है, यहाँ पे आपका द फूल, टू ऑफ कप्स, द टावर एंड द पेंटिकल्स। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ ही जिस पर्सन ने आपको अपना क्रश मान रखा है लेकिन आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ एक दोस्ती चाहते हैं कि आप इनके दोस्त बनो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, या आप अपने आप से प्यार बहुत करते हो, आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो कि आपकी नज़रें तक उन्हें नहीं देखती, और ये चीज़ें इस इंसान को तोड़ती हैं कि ये मुझे देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मुझे उसके साथ बस एक दोस्ती चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। तो ये पर्सन बेसिकली आपको इस रीज़न की वजह से देखते हैं क्योंकि इन्हें आपसे दोस्ती चाहिए और एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है, और ये पर्सन वो चीज़ें फील करते हैं कि आप परेशान हो और आप इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, तो इनके दिल में ये चीज़ें भी रहती हैं कि ये आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप एक बार उनसे बात करो, एक बार इन्हें देखो तो, और आप उन्हें देख नहीं रहे हो तो वो चीज़ें इन्हें भी परेशान कर जाती हैं। तो इनका इंटेंशन भी मुझे ऐसा बेकार या ख़राब नहीं दिख रहा है कि ये आपको किसी बुरे इंटेंशन से देख रहे हैं, बस आपसे एक दोस्ती चाहते हैं और आपको ही कहीं ना कहीं संभालना चाहते हैं, आपकी परेशानी, आपका दर्द ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसे कम करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स है, जिस पर्सन के साथ आपके बीते पलों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये पर्सन आपको आखिर किस इंटेंशन से देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, आखिर ये पर्सन किस इंटेंशन से, किस इरादे से मेरे व्यूअर्स को देख रहे हैं, उन पर निगाहें इन्होंने बना रखी हैं, गाइड कीजिए बताइए। 1 ऑलरेडी आ गया है आपका, 2, 3 and 4। यहाँ पे आपका है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो बेसिकली ये पर्सन आपको ना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आप में अभी भी स्टक है। भले एक वक्त पे इस पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करे, ईगो क्लैश हुए, आप लोगों के बीच में काफ़ी सिचुएशन वर्स्ट हो गई, लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन की सोच सभी ना आप में अभी तक स्टक हैं। ये पर्सन अभी भी आपको इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि दिल में इनके अभी भी कुछ है आपके लिए, और इवन यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इस पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े तो करे, वहाँ पर जीत भी हासिल करी, लेकिन उन सब के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इन सब में जीत कर भी सब कुछ हार गए और यही अकेले रह गए, यही स्टक रह गए। आपको ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं
कि आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो आगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, इतने लड़ने के बाद भी, इतनी चीज़ें खराब होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो जेलेसी इस पर्सन की आप पर नज़रें बनाए रखने के लिए इन्हें फोर्स कर रही है, या एक कन्फ्यूज़न भी है इस पर्सन का कि अब आपसे चाहते क्या है, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, और उस कन्फ्यूज़न के चलते ये पर्सन आप पर निगाहें रखे हुए हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेंटली लेवल पे ये पर्सन अभी भी आप में स्टक है, ठीक है, और उसी स्टकनेस की वजह से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करे, या फिर अब आपको जो इन्होंने बोला, जो भी चीज़ें खराब करी उसी के बाद अभी आगे बढ़े, तो उस कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन आपको देख रहे हैं ताकि इन्हें क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो इस पर्सन के आपको देखने के पीछे की वजह यहाँ पर सिंपल सी ये दिख रही है कि आप में अभी तक स्टक हैं, उस वक्त में आपसे लड़ तो लिए, झगड़ तो लिए, काफ़ी कुछ बोल तो दिया, लेकिन मेंटली लेवल पे अभी भी उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाए हैं, इस रीज़न की वजह से ये पर्सन आप में स्टक है और आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों नज़रें बनाए हुए हैं, इनके नज़रें रखे रहने के पीछे की वजह क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 and 4 द मून, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड डेथ। देखो ये जो एम्परर है ना, बेसिकली ये आप पर इसीलिए नज़रें बनाए हुए हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका, आपके पर्सन का जो भी रिश्ता था, क्या वो रिश्ता अभी भी है या वो रिश्ता ख़त्म हो गया, यानी कि इनके मन में इनसिक्योरिटी है आपको लेकर कि जो रास्ते इन्होंने अलग अलग करे थे या जो रास्ते ऑलरेडी अलग अलग हो गए थे, क्या वो रास्ते अभी मिले तो नहीं है, क्या उन रास्तों पे आप लोगों का प्यार अभी भी जिंदा है या मर गया है, या फिर आप क्या अभी भी इमोशनली लेवल पे इसी पर्सन से जुड़ना चाह रहे हो, तो वो इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन इनके दिल में ये है कि आपका डिसीज़न अब इस पर्सन को लेकर क्या है, आप क्या फैसला लेना चाह रहे हो इनको लेकर, तो उस चीज़ की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के मन में है, क्या आप अभी भी इमोशनली लेवल से इनसे जुड़े हुए हो या ऑलरेडी आपके मन में भी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं, तो वो चीज़ों का पता इस पर्सन को नहीं चल रहा है और वो जानने की ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या फैसला लेना चाह रहे हो इस पर्सन को लेकर, तो ये इच्छा है और इसी इच्छा के चलते ये पर्सन ना आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़रें बनाए रखते हैं या नज़रें बनाने की ये कोशिश करते हैं। क्या आपके दिल में सब कुछ मर गया है, ख़त्म हो गया है, क्या ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो गई है, मर गई है, तो वो चीज़ें जानने की इनकी इच्छा है, इसीलिए ये आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में अपने पंखों को फैला रहे हो, एक्सपेंड हो रहे हो, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को ना कहीं परेशान करती हैं क्योंकि इन्हें ये नहीं लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में इतना एक्सपेंड कर जाओगे, ठीक है। किसी पॉइंट पर इन्हें ये भी लगता है कि हर एक सिचुएशन में आप गलत थे, ठीक है, और आपको उन चीज़ों का कन्फ्रंट करना चाहिए, तो उस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन आप पे निगाहें बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना कि भाई गलत तुम थे और तुम्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स को। देखिए ये जो महिला पर्सनालिटी हैं, तो ये हो सकता है आपके केस में कोई थर्ड पार्टी हो, आपकी किसी भी वे में ये थर्ड पार्टी हो सकती हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखते हैं ये आखिर आपके ऊपर क्यों निगाहें बनाए हुए हैं, क्यों इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 1, 2, 3 and 4 द डेविल, 7 of Pentacles, Hierophant, and 6 of Swords.
भाई देखो, इनका आपके ऊपर नजरे बनाने का जो इंटेंशन है वो मुझे सही नहीं दिखाई दिया विद दिस द डेविल कार्ड। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये ना आपके ऊपर कुछ करना चाह रही हैं, कुछ गलत आपके तरफ वाइब्रेशन सेंड कर रही हैं, जिस रीज़न की वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, आपका मन शांत ना रहता हो, या आपका जो पेशेंस लेवल जो बहुत अच्छे से चल रहा था वो खो रहा हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इनके पीछे की वजह मुझे ये दिख रही हैं कि इनका इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं है, इसलिए आप पे नज़रें बनाई हुए हैं। जैसे ये चेक करना चाह रही हूँ कि ये जो भी आपके ऊपर कर रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो भी आपकी तरफ सेंड कर रही हैं, क्या वो असर कर रही है या नहीं कर रही हैं। तो उस रीज़न की वजह से आपके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, या जो भी इन्होंने कभी करा हो तो उसका क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका इंटेंशन आपके ऊपर नज़रें बनाने का सही नहीं है, ठीक है। बहुत पेशेंसली चीज़ों को देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, और करके भी परेशान नहीं है, करके भी खुश ही नज़र आ रही हैं। मतलब एक ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो भी रिट्यूअल्स के हिसाब से होता है वो चीज़ें इन्होंने डेफिनेटली आपकी तरफ भेजी हैं, और अब ये चेक करती रहती हैं कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया कि देखो, मेन तो सबसे ज़्यादा इंटेंशन आपके ऊपर नज़रें जो रखने का है गलत, वो इनका है। दूसरे नंबर पर इनका है, तीसरे नंबर पर इनका है। तो ये चीज़ें मुझे दिखी हैं अभी तक की रीडिंग में। चलिए, आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। शील्ड मिडेन, वाटर गार्जियन, नाइट एंड ओवरऑल एनर्जी है फायर गार्जियन। देखो, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी पर भी एकदम भरोसा कर लेते हैं, किसी से भी एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, और उन सब के पीछे की वजह है आपका हद से ज़्यादा इमोशनल होना, और इस इमोशनल के चलते आप कहीं ना कहीं अपना बेवकूफ़ बना लेते हो। आपसे यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स ये बोल रहे हैं कि देखो, इमोशनल होना अपनी जगह है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पर चीज़ों को, सिचुएशन को इमोशनली लेवल पे नहीं देखा जाता। बजाय इमोशनली लेवल पे देखने के, वहाँ पर ना आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लानिंग्स करनी होती हैं, वहाँ पर आपको फोकस बनाना होता है उन चीज़ों पर कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत। फिर चाहे उन चीज़ों को आपको ना प्रैक्टिकली वे में ही लेकर क्यों ना चलना पड़े, तो आपके लिए यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इमोशनली हो, लेकिन उस लेवल पे मत हो कि लोग आपका गलत इस्तेमाल कर जाएं, ठीक है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।